ये रिस्टूडेंट्स हम देख रहे हैं सेट नंबर थ्री अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो एडम स्मिथ जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं उसका दूसरा क्वेश्चन है आय राष्ट्रीय आय मापने की तीन विधियों के नाम बताने हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट मेथड इनकम मेथड और उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि उत्पाद विधि आय विधि और व्यय विधि तीनों को शामिल किया गया है उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आय के चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण या भरण क्या है तो आय का अंतक्षेपण आय में होने वाली वह वृद्धि है जो चक्रीय प्रवाह में बाहर किसी और स्रोत द्वारा होती है ठीक है और आय का अंतक्षेपण जो है अर्थव्यवस्था में आय सृजन प्रक्रिया में वृद्धि करता है यानी कि दूसरे शब्दों में अंतक्षेपण का राष्ट्रीय आय पर विस्तार वा, विस्तारवादी प्रभाव यानी एक्सपांडिंग इफेक्ट पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर जो है हमने बता दिया है इसको इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मृदा की मुद्रा की आपको परिभाषा बतानी है तो डिफाइन करना है मनी को तो जो आपकी मुद्रा है यानी करेंसी है धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय जो है क्रियाएं की जाती हैं ठीक है ठीके? तो ये सिंपल लैंग्वेज है आप चाहें तो इसका और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं मुद्रा वह है जो विनियम के माध्यम के रूप में कार्य करती है ये भी एक डेफिनेशन है और ये भी डेफिनेशन है तो दोनों डेफिनेशन को मिला के भी लिख सकते हैं आप मैंने और करके आपके लिए लिखा है तो आप अपनी मर्जी से जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्वायत्त उपभोग को परिभाषित करना है ठीक है ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो क्या होता है तो आय के शून्य स्तर पर उपभोग व्यय को स्वायत्त उपभोग कहा जाता है सिंपल सा लैंग्वेज है आपको आय के शून्य स्तर पर यानी कि आय नहीं है आपकी यानी कि कमा नहीं रहे हो और उपभय उपभोग जो आप कर रहे हो उसी को हम क्या कहते हैं स्वायत्त उपभोग कहा जाता है ठीक है कंजम्पशन यहाँ पर लिखा हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन सिंपल सा वर्ड है आपको आराम से याद हो जाएगा उसके बाद सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं तो पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जैसे कि पूंजीगत प्राप्तियों वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनमें सरकार की दिएताएँ यानी लेबिलिटीज उत्पन्न होती हैं या जो परिसंपत्ति है वो कम होती है सिंपल सा आपको लिखना है एक वर्ड में आराम से इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं मैं केवल एक ही लैंग्वेज में समझाऊंगा जो कि हिंदी बेटर बेहतर रहेगी क्योंकि सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आ यहाँ पर आयात की संकल्प संकल्पना को जो है स्पष्ट करना है यानी कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है इम्पोर्ट का तो आयात तब होता है जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश से सामान खरीदती है जिसका उद्देश्य घरेलू बाज़ार में उसे बेचना होता है तो उसे हम आयात के संदर्भ में जो है डिफाइन करते हैं तो इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं इंपोर्ट ऑकर्स वे ए कंपनी बाइज गुड फ्रॉम अनदर कंट्री विद द एम ऑफ रिजल्टिंग दैम इन डोमेस्टिक मार्केट उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें समस्ती अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बाह्य क्षेत्रक का वर्णन करना है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से तो बाय क्षेत्रक जो है इस क्षेत्र का कार्य जो है विश्व के अन्य देशों से व्यापार करना आयात निर्यात करना तथा विभिन्न देशों के बीच जो है पूंजी का प्रवाह करना है बाह्य क्षेत्र को माल और सेवाओं के निर्यात के लिए फर्मों घरों और सरकारों से राजस्व जो है प्राप्त होता है तो इस तरह से हम समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जो है इसको डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर को ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है आप इंग्लिश में समझ सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्यापार के और व्यापार घाटा में अंतर आपको बताना है तो व्यापार के और व्यापार घाटा का दोनों को अलग अलग लिख देंगे व्यापार अधिशेष या अधिक्य उस स्थिति को संदर्भित करता है या बताता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के आयात से अधिक हो ठीक है और इसके बाद में वस्तु और सेवाओं का निर्यात यहाँ पे हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि वस्तु और सेवाओं का आयात जो है वो अधिक हो वस्तु और सेवाओं के आयात से तो वो व्यापार अधिशेष कहलाता है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ये पूरे मार्क्स आपको देगा इस तरह से दूसरा जो है व्यापार घाटा व्यापार घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वस्तु और सेवाओं का निर्यात किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के आयात से कम हो जाता है यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का आयात जो है कम होता है माल और सेवाओं का आयात से तो इसको हम व्यापार घाटा बोलते हैं सिंपल इसके बाद में आप इसको इंग्लिश वर्जन में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लिखी गई है आप इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से जो है जो मीडियम आपका है उसके हिसाब से आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं दसवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे पूंजीगत वस्तु की धारणा को उदाहरण से स्पष्ट करना है तो देखिए पूंजीगत वस्तु को अचल अच्छा या मूर्त संपत्ति के रूप में संबर्धित संदर्भित किया गया है जो किसी व्यवसाय द्वारा तैयार उत्पादों या उपभोक्ताओं उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए खरीदी जाती है यानी कि पूंजीगत वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनका उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण में आप भवन मशीनरी उपकरण वाहन आदि ले सकते हैं तो उदाहरण जो आप इस तरह से दे देंगे तो यहां पर जो है सिंपली लैंग्वेज में लिख देंगे उसके बाद में उदाहरण एक लाइन में लिख देंगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज है और एग्जाम्पल भी उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग्यारह नंबर इसमें पूछेगा आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित आपको बताना है तो आपको पता है वस्तु विनियम प्रणाली के अंतर्गत नियम केवल उसी समय संभव हो सकता है जबकि व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने को तैयार हो परंतु ऐसा संभो, जो संयोग है वो संभव नहीं होता है तो इसी को हम बोलते हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग ठीक है इसको उदाहरण से हमें समझाना है तो उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास चावल के बदले में कपड़ा चाहता है तो वह विनियम तभी कर सकेगा जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास कपड़ा तो हो ही हो साथ साथ में उसको चावल की भी आवश्यकता हो परंतु ऐसा जो है व्यवहारिक जीवन में ऐसा जो सहयोग है दोहरा संयोग है वो मिलना कठिन होता है तो इस तरह से हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा सकते हैं लास्ट सेट में भी हमने इसको जो है डिस्कस किया था कि वस्तु विनियम का एक जो है प्रॉब्लम या दोष बताइए तो उस दोष में ये काउंट किया जाता है तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में मैंने इसका आंसर विद एग्जाम्प दिया है उसके बाद आया आपका बारवा क्वेश्चन जो है प्रत्याशित उपभोग और यथार्थ उपभोग में अंतर बताना है तो प्रत्याशित उपभोग से तात्पर्य उस उपभोग वैसे है जो एक अवधि के दौरान किए जाने की योजना है यानी कि किसी एक पीरियड में किए जाने की योजना बनाई है वो जो है उसको बोलते हैं हम प्रत्याशित उपभोग यानी कि अर्थार्थ बोल सकते हैं अर्थात उपभोग और दूसरा जो है यथार्थ उपयोग यथार्थ उपभोग वह उपभोग है जो इस रूप में व्यक्त की जाती है कि लोगों ने वास्तविक में उसी अवधि में क्या उपभोग किया था यानी कि एक तो योजना बनाई तो हमने उसको प्रात्य प्रत्याशित उपभोग कहा और उस योजना के दौरान हमने उस योजना के अनुकूल कितना उपभोग किया उसको यथार्थ उपभोग कहते हैं बस ये सिंपल सा लैंग्वेज है इसको आप एक डेफिनेशन में कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है आप इसको समझ सकते हैं उसके बाद में तेरह नंबर जो क्वेश्चन है सार्वजनिक वस्तु क्या है और यह निजी वस्तु से किस प्रकार भिन्न है तो सार्वजनिक वस्तु से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो किसी जो सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं सार्वजनिक मतलब पब्लिक है ना और एक व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग दूसरों के लिए इसकी उपलब्धता को कम या समाप्त नहीं करता यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ का उपभोग करता है तो सार्वजनिक उपभोग में जो है ये दूसरे के लिए समाप्त नहीं होती है और सार्वजनिक उपभोग, सार्वजनिक वस्तुओं के सामान्य उदाहरण की हम बात करें तो जिसमें रक्षा प्रकाश स्तंभ स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है पुल पार्क स्वच्छता स्वच्छता अभियान जो चल रहा है पर्यावरण और स्वच्छ वायु सब कुछ इसमें आ जाती है जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है और निजी वस्तु की बात करें तो निजी वस्तुओं का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से होता है जिनका जिसका उत्पादन तथा उपभोग निजी तौर पर किया जा सके यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए और निजी वस्तुओं के उपभोग हेतु मूल्य का भुगतान करना पड़ता है सार्वजनिक में मूल्यों का कोई लेना देना नहीं होता है और निजी वस्तु जो है निजी वस्तु द्वारा जो है लाभ सामान्यतः आंतरिक होते हैं यानी कि निजी वस्तु का उपयोग उपभोग जो कर रहा है उसी को लाभ होगा सभी को लाभ नहीं होगा जबकि सार्वजनिक वस्तुओं में लाभ जो है है सभी को देख करके किया जाता एवं उसी व्यक्ति तक सीमित रहते हैं जो कि निजी वस्तु हेतु भुगतान करता है और ये निजी वस्तु उसी को मिलती है उसका ही लाभ मिलता है उसको जो इसके लिए भुगतान करता है तो इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पब्लिक गुड्स में और कॉमन जो आपका प्राइवेट गुड्स में इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका चौदह नंबर व्यापार संतुलन किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड इज रिलेटेड टू ओनली विजिबल आइटम्स यानी कि व्यापार संतुलन का संबंध सीधे सीधे केवल दृश्य मदों से है और किसी देश यहाँ पे देश से ही कर लेना किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात मूल्य में जितना अंतर होता है उसे देश का व्यापार संतुलन कहा जाता है इससे पहले भी मैंने ये डेफिनेशन आपको पहले भी बताई है यहाँ पे ये देश जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मिसप्रिंट है समझ लीजिए टाइपिंग में इसको कर लेना देश ठीक है ईश्वर षटकोण वाला बन गया है और यहाँ पर जो है दृश्य मदों में कौन कौन सी चीज़ें आती है जिसमें आपका मशीन आता है तो यहाँ पे भी देखिए स आ गया है तो मशीन है कपड़ा है सीमेंट है इत्यादि शामिल होते हैं तो यानी कि व्यापार संतुलन बराबर क्या होता है दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात ठीक है तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है और यहाँ पर आपसे पूछा किया गया है कि ये जो है आपका एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम और इम्पोर्ट तो यहाँ पे आयात है और यहाँ निर्यात है ठीक है और यहाँ पर मैंने इंग्लिश में इसको समझाया है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिख सकते हैं और इसके जो है कितने प्रकार होते हैं इसको हमने यहाँ पे बताया है टाइप्स ऑफ बैलेंस ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन के प्रकार जो है तीन होते हैं एक फेवरेबल बैलेंस ट्रेड होता है अनफेवरेबल या डिफ्लिक्ट होता है और एक इक्लोबिरियम एक, होता है जिसको हम अनुकूल व्यापार संतुलन प्रतिकूल व्यापार संतुलन और साम में व्यापार संतुलन कहते हैं तो यहाँ पर मैंने इसके जो है टाइप्स लिखे हैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन में

यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहता है इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल रिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन सर्विस कंट्रीज बॉर्डर विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या पीरियड ठीक है उसके बाद बी बी पोर्सन में पूछा गया मूल्य यानी डेपरिशिएशन क्या होता है तो देखिए मूल्य हास्य से अभिप्राय है मुद्रा का सापेक्ष मूल्य घट जाना अर्थात दूसरे देश की मुद्रा में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी आना ये होता है मूल्य यानी कि अगर एक डॉलर की कीमत पचास रुपये मान लीजिए है और कुछ समय पश्चात एक डॉलर का मूल्य बढ़ करके बावन रुपये हो जाता है तो इसका आज से यह हुआ कि डॉलर के मुकाबले जो है रुपये की कीमत कम हो गई पहले एक रुपये में पचास रुपये होते थे और एक रुपये में बावन रुपये यानी बावन रुपये का भुगतान करना पड़ेगा एक डॉलर के लिए तो यहाँ पर हमारी कीमत कम हो गई तो इसी को हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बाकी और भी लैंग्वेजेज़ हैं लेकिन मैंने सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज को यहाँ पर यूज़ किया है तो आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट है उसमें उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि कंज्यूमर गुड्स के बारे में आपको बताना है तो वे वस्तुएं या वे सामान हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं साथ ही इन सामानों का उपयोग आगे उत्पादन के लिए नहीं किया जाता जैसे कि कपड़े स्टेशनरी वस्तुएं भोजन आदि उपभोक्ता वस्तुएं हैं इनका आगे उत्पादन में कोई काम नहीं होता है तो दीज आर द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय दंजम कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड गेट यूटिल

तो हमें सिंपली क्या करना है आय की गणना के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि फॉर्मूला होता है आपका एन एन एफ एन एन पी एफ सी जो निकालने के लिए होता है निजी आ, अंतिम उपभोग प्लस में सरकारी अंतिम व्यय प्लस में निजी निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात प्लस में विदेशों से शुद्ध कारक आय माइनस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है और मूल्यहास यानी डेफ्रीशिएशन तो इसको जो है सारी वैल्यूज़ को ऊपर दिया गया है कि आपका निजी अंतिम वस्तु क्या है सरकारी अंतिम व्यय क्या है निजी आप, निवेश क्या है शुद्ध निर्यात कितना है अप्रत्यक्ष कर कितना है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितना है मूल्यहास कितना है इन सभी वैल्यूज़ को जो है हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे पुट करने के बाद में जब आप इसको प्लस माइनस करोगे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि माइनस किसको करना है प्लस किसको करना है ठीक है तो यहाँ पर जो है आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 542 करोड़ तो ये व्यय विधि द्वारा जो राष्ट्र आय की गणना हमने करी वो आ गया फाइव करोड़ रुपीस तो यहाँ पर जो है इसी को मैंने इंग्लिश में बताया है कि कौन सी चीजें माइनस और कौन सी चीजें प्लस करनी है और उसके बाद में जो है आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका पाँच सौ बहत्तर करोड़ रुपए नेशनल जो आपका इनकम है एक्सपेंडिचर मेथड से हमने निकाला इसको अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो व्यावसायिक बैंक किस प्रकार साख का सृजन करते हैं व्याख्या करनी है तो देखिए साख का सृजन जो है एक वाणिज्य बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख घटक है दूसरे पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तो आसान होता है याद करने में वाणिज्य बैंक जो है ऋण देकर और प्रतिभू प्रतिभूतियों को खरीद करके साख बनाते हैं वे जनता से स्वीकार की गई जमा राशियों में से व्यक्तियों और व्यवसाय को पैसा उधार दे जो है साख बनाते हैं और साख निर्माण की प्रक्रिया तब होती है जब बैंक जो है जमा स्वीकार करते हैं और ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं जब ग्राहक बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उन्हें प्राथमिक जमा कहा जाता है यह पैसा उनके द्वारा तुरंत नहीं निकाला जाता है और इसलिए जो बैंक में जमा जमा की एक निश्चित राशि को आरक्षित के रूप में या आरक्षित रूप में जो है रखते हैं जिसे कानूनी आरक्षित अनुपात के रूप में जाना जाता है और शेष राशि को है ऋण और अग्रिम के रूप में प्रदान करते हैं तो इसको हम जो है एक निश्चित अनुपात में जो है बैंक जो है कुछ पैसे जो है वो रखता है कानूनी रूप से रखना अनिवार्य है और प्रत्येक जमा एक ऋण बनता है जितने भी जमा बन आ, की जाती है जैसे आपके द्वारा मेरे द्वारा द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा तो वो क्या है एक ऋण बनता है किसके लिए बैंक के लिए कि वो ऋण दे सकता है दूसरों को और वाणिज्य बैंक जो है जनता के कुछ जमानत पर जो है ऋण और अग्रिम देते हैं कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा जमानत और लेकिन बैंक जो है सीधे ऋण की राशि नहीं देते हैं वो क्या करते हैं उधारकर्ता के नाम से एक खाता खोलते हैं और उस खाते में जो है पैसे वो राशि को जमा करते हैं और इस प्रकार प्रत्येक ऋण जमा जो है वो एक एक बन बन जाता है। बन जाता है, है, यानी कि इस प्रकार प्रत्येक जमा और बैंकों द्वारा प्राथमिक जमाओं की सहायता से बनाई गई इन जमाओं को व्यपुन जमा कहते हैं तो इस तरह से पांच पॉइंटों में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि साख का सृजन कैसे होता है इसके अलावा आप एग्जाम्पल भी, भी दे सकते हैं कि बैंक जो है ये अपने पास मान लीजिए एक हज़ार रुपये बैंक खाता खोल करके उधारकर्ताओं को अगर पैसा देता है तो उनसे हज़ार रुपये जमा करवाएगा इस खाते में और बदले में उनको नौ सौ या आठ सौ रुपये देगा तो इसका मतलब है कि हज़ार रुपये तो उधारकर्ता ने दिए बैंक को और बैंक ने उसको जो है उधार करके जो है आठ सौ रुपये दिए यानी कि बैंक ने दो सौ रुपये फिर भी मार्जिन में अपने रख लिए तो इस तरह से जो है साख का सर्जन होता है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको बताया है मैंने यहाँ पे पाँच पॉइंटों में आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और पाँच नंबर का क्वेश्चन है पाँच जो आप पॉइंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है सभी पॉइंट्स का तो आप इंग्लिश में यहाँ पर जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं वो इंग्लिश में यहाँ पर आंसर्स को देख सकते हैं इसके बाद में जो हम लीगली जो पैसे रखते हैं उसको हम सी आर आर बोलते हैं जिसको हमने इससे पिछले सेट में भी डिस्कस किया था कि उसको हम लीगल रिजर्व रेशो या कैश रिजर्व रेशो भी कहते हैं जिसको हमें रखना होगा यानी कि बैंक को रखना होगा डिपोजिट तौर पर इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आर की खुली बाज़ार कार्रवाई नीति की व्याख्या करनी है तो खुले बाज़ार से संचाल खुले बाज़ार के संचालन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने, तो 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 करने के लिए किसी भी देश के केंद्रीय बैंक यानी केंद्रीय बैंक किसको बोलते हैं आरबीआई को बोलते हैं तो केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रेजरी बिलो और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद से है तो सबसे पहले तो आपको बताना है खुली बाजार कार्रवाई है क्या तो खुले बाजार के संचालन से तात्पर्य क्या है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना यानी विनियम करने के लिए किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रेजरी बिलो और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद से है और हम बताएंगे वाणिज्य बैंक के सहयोग से जो केंद्रीय यानी कि आर बैंक द्वारा खुले बाज़ार का संचालन किया जाता है इस तरह के संचालन के लिए जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है सरकारी बांड ज़्यादातर वाणिज्य बैंकों वित्तीय संस्थाओं और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और बड़े व्यापारी निगमों द्वारा खरीदे जाते हैं ठीक है ना जितने भी सरकारी बैंक जो आपके बॉन्ड है ये सभी के सभी वाणिज्य बैंक या वित्तीय संस्थाओं या निवल मूल्य वाले व्यक्तियों या उससे व्यापारी जो होते हैं उनके द्वारा जो है इनको सरकारी बॉन्ड को खरीदते हैं और ये सभी संस्थाएं जो है बैंक के साथ खाते रखती हैं सभी के बैंक के में खाते होते हैं और जब ये आ, संस्थाएं बॉन्ड खरीदती हैं तो राशि केंद्रीय बैंक को हस्तांतरित होती है यानी कि जो राशि है वो आर पर या ट्रांसफ़र की जाती है या चली जाती है या भेजी जाती है इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि खुले बाज़ार के संचालन का बैंक में जमा और भंडारण पर प्रभाव पड़ता है और यह ऋण प्रदान करने की उसकी क्षमता में भूमिका निभाता है यानी कि ये जो काम हो रहा है जो आपका तो ये खुले बाज़ार के संचालन से बैंकों के पास क्या है ऋण मतलब पैसा जमा होता है और यही जो पैसा है ये ऋण प्रदान करने की क्षमता को उनकी बढ़ाता है जब कोई केंद्रीय बैंक जनता के लिए धन की उपलब्धता को कम करना चाहता है यानी आर जब आ, आपका धन की उपलब्धता को कम करना चाहता है तो इसका मतलब वह है कि वाणिज्य बैंकों की सहायता से वो क्या करेगा सरकारी बैंड और प्रतिभूतियों को बेच देगा और यह कदम अर्थव्यवस्था में किस लिए उठाया जाता है तो मुद्रा की आपूर्ति को कम कर देता है इसलिए उठाया जाता है और जो है बैंकों को व्यक्तियों को ऋण देने के लिए प्रतिबंधित करता है यह ऋण की आपूर्ति और मांग दोनों को प्रभावित करता है इसी तरह कई बार जब तरलता की स्थिति तंग होती है तब जो है यानी कि पैसे की स्थिति तंग होती है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेता है जो बेचे थे यहाँ पर जो इसने सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूतियाँ बेची थी किस लिए मुद्रा के जो है उसको कम करने के लिए तो इसने क्या है मुद्रा की आपूर्ति को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम करने के लिए तो आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या करता है ये फिर से वापस खरीद लेता है जो वाणिज्य बैंकों और जनता के ऋण सुविधाओं तक आसान पहुँच प्रदान करता है जो सिस्टम में जो कि पूरी व्यवस्था में तरलता को बनाए बनाने और बाज़ार को स्थिर करने में मदद करता है यह खुले बाजार के संचालन पर विषय का समापन समापन करता है यानी कि जो भी सन हम जो खुले बाजार में ये मौद्रिक गतिविधि कर रहे हैं तो इसका पूरा समापन करता है जो आर की मौद्रिक नीति में से एक महत्वपूर्ण तो भूमिका निभाता है तो इस तरह से जो है हम इसको लिखेंगे सिंपलेस्ट वर्ड में और यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्जन में मैंने लिखा है तो आप तीनों पैराग्राफ देख सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया और उसके बाद में दो तीन पैराग्राफ और है छोटे छोटे तो इनको भी आप नोट करेंगे इस तरह से आपका जो है पूरा का पूरा जो है कवर हो जाएगा और अंतिम क्वेश्चन जो है इसमें गुणांक क्या है और गुणांक जो एम पीसी में क्या संबंध बताता है इसको हम बताएंगे बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में ताकि आप आसानी से इस एग्जाम में जो भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाए गुणांक से तात्पर्य उस समय की संख्या से है जिसके द्वारा उत्पादन या आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से हो जाती है ध्यान रखिएगा दोबारा से गुणांक से तात्पर्य उस समय संख्या से है जिसके द्वारा उत्पाद या आय में वृद्धि निवेश में जो निवेश में वृद्धि कर रहे हैं वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक हो जाती है यानी कि वृद्धि निवेश में जो वृद्धि हुई है उससे अधिक हो जाती है इसे आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के बीच के अनुपात के रूप में मापा जाता है जिसे के के रूप में दर्शाया जाता है ठीक है ये सिंपल लैंग्वेज में आपको गुण का तात्पर्य मैंने बताया मल्टीप्लायर लेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम बाई विच द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम एक्सीड्स इन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ठीक है और इट इज मेजर एज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई के से हम इसको गुणांक को जो है करते हैं अब इसको हमें बताना है रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड एम मल्टीप्लायर तो MPC और गुणांक के बीच में संबंध हिंदी और इंग्लिश में दोनों साथ-साथ बताता जाऊंगा जब आपका MPC 0 होता है तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है इक्वल टू 1 हो जाती है यानी कि एक के बराबर हो जाती है जब MPC शून्य होता है तो निवेश गुणांक का मूल्य जो है एक के बराबर होता है तो पहला रिलेशन तो आपको ये समझ में आना चाहिए ठीक है आगे जब हम करेंगे तो आपको आगे जब चलेंगे ना तो आपको और समझ में आ जाएगा और फिर अगर आपका एम जो है मिनिमम मैक्सिमम होता है ये जीरो है अगर सबसे ज़्यादा एम हो एम सी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी वो भी उसी की तरह बढ़ेगी इनफाइनाइट भी हो सकती है ठीक है तो उसके साथ बढ़ेगी और घटती है तो घटेगी और फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ़ एम यानी एम की मिनिमम वैल्यू अगर हम करें जीरो से और ज़ीरो से भी कम तो देयर इज़ ए मिनिमम वैल्यू ऑफ़ मल्टीप्लायर तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है मिनिमम होकर के वन हो जाएगी ठीक है यानी कि एम की अगर एम पी शून्य के न्यूनतम मान के लिए जो है गुणंग का मान जो है न्यूनतम मान एक होगा ठीक है यहां पर आप तीनों चीजों में समझना इसका शून्य होगा तो इसका एक होगा यानी कि यह चीज मैंने पहले ही बताई थी यानी कि शून्य के लिए और मिनिमम के लिए भी सेम कंडीशन है ठीक है शून्य और मिनिमम के लिए सेम कंडीशन है और मैक्सिमम में जो है दोनों मैक्सिमम हो जाते हैं और जब एज द एम पी सी इंक्रीजेज देयर इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा यानी कि जैसे जैसे एम पी सी बढ़ता है तो गुणक में भी वृद्धि होती है यदि एम पी सी घटता है तो गुणक भी जो है घटेगा तो इस तरह से ये रिलेशन इनके बीच में हो गया अब इनको हम एक फॉर्मूला जानते हैं गुणक का जो हम मल्टीप्लायर को अगर हम फॉर्मूले के रूप में एम पी सी और गुणक के बीच में जो संबंध बताएं तो वो होता है वन अपॉन में वन माइनस एम पी सी वन अपॉन में वन माइनस एम पी सी इसीलिए एम पी सी और गुणंग के बीच में एक धनात्मक संबंध होता है जिसको हम डिनोट करते हैं वन अपॉन में वन माइनस एम पी सी अब इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर देंगे तो एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी कि आपके आधे नंबर भी काट दे तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर एम पी सी जीरो पॉइंट एट है यानी अगर एम पी सी जीरो पॉइंट एट है तो क्या होगा तो गुणंक में हम जीरो एम पी सी की वैल्यू रख देंगे जो कि फॉर्मूला मैंने अभी अब आपको बताया वन अपॉन में वन माइनस एम पी सी तो वन अपॉन में वन माइनस एम पी सी एम पी सी की वैल्यू कितनी मानी है हमने पॉइंट एट तो पॉइंट एट रखा तो वन में से पॉइंट एट घटाओगे तो ये आ जाएगा पॉइंट टू ये आ गया वन अपॉन में पॉइंट टू और पॉइंट इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा जीरो और नीचे आ जाएगा पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा टेन बाई टू सीधा सा सिंपल आपको फंडा है पता है मैथ्स का कि नीचे वाले में अगर एक के बाद पॉइंट है तो एक पॉइंट हटाओगे तो ऊपर वाले में एक जीरो ऐड हो जाता है तो ये हो गया दस बटे दो यानी कि डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा पाँच यानी कि हम इसको दस बटे दो को हम चेंज करते हैं ये क्या होता है दस बटे जो दो तो दस क्या है और दो क्या है ये क्या बताता है तो दस जो है चेंज इन इनकम है ऊपर वाली जो चीज़ है वो क्या बताती है चेंज इन इनकम और नीचे वाली जो दो है ये हमारे को बताती है चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो ये रेशो है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट में यानी कि आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात जो है गुणक जो है के को रिप्रेजेंट करता है सिंपल है यानी कि हम दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो फाइव टाइम्स आ जाएगा जो कि यही चीज़ हम ऊपर समझा रहे थे तो यहां पर जो है देयर फॉर चेंज इन इनकम इज कितना है तो चेंज इन इनकम कितना है यहां पर चेंज इन इनकम टेन है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है बटे में तो दो है तो यहां पर हमने लिख दिया चेंज इन इन्वेस्टमेंट दो अतः आय में परिवर्तन दस है और निवेश में परिवर्तन दो है तो इस तरह से ये सिंपल वर्डों में हमने रिलेशनशिप भी देख लिया आसानी से समझ सकते हैं आप इसको कोई भी इशू नहीं है पॉइंट टू पॉइंट लिखा है और इसमें आपके एक भी नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं है तो इस तरह से ये था आपका इकोनॉमिक्स का सेट नंबर थ्री और मैक्सिमम शेयर मैक्सिमम कमेंट करिए ताकि आपके सारे सोल्यूशंस को एक से दो दिन में कंप्लीट करा दिया जाए ताकि आपके एग्जाम की जो बेहतरीन जो है तैयारी करवा पाए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समय अनुसार डाल दिया जाएगा ताकि उनको भी आप देख करके एक बार अपने आप को प्रिपेयर कर पाए थैंक यू वेरी मच है गुड डे